शहर में श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से बुधवार से आयोजित होने वाली 3 दिवसीय नानी बायरो मायरो कथा की तैयारियां जोरों से चल रही है। शहर के मसूदा रोड स्थित तजारती गौशाला में आयोजित कथा हेतु गौशाला में श्रोताओं के बैठने हेतु विशाल पांडाल तथा व्यासपीठ तैयार की जा रही है। परिवार के संजय खिया ने बताया कि 10 मई से शुरू होने वाली कथा से पूर्व 9 मई को मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी। शहर के सातपुल्या स्थित द्वारकाधीश गार्डन में आयोजित मेहंदी की रस्म में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाएगी। गिया ने बताया कि बुधवार को कथा का शुभारंभ शाम 7 बजे से होगा, जिसमें गोवत्स संत राधा कृष्ण महाराज श्रोताओं को कथा रसपान करवाएंगे। कथा में श्रोताओं के बैठने के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बैठक व्यवस्था रखी गई है। वृद्धजनों के लिए बैठने हेतु सोफे व कुर्सियों की व्यवस्था भी पांडाल में की गई है, ताकि वृद्धजनों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कथा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने हेतु व्यासपीठ पर किसी भी प्रकार का कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा। कथा स्थल पर पहुंचने के लिए गौशाला के मुख्य गेट के अलावा मसूदा रोड पर भी विशाल गेट बनाया गया है, ताकि श्रोताओं को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कथा स्थल पर पीने के पानी का विशेष प्रबंध किया गया है। जगह जगह पानी के कैनों की व्यवस्था की गई है। श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार के सदस्यों ने शहरवासियों से 10, 11 व 12 मई तक आयोजित 3 दिवसीय नानी बाई को मायरो कथा में भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। सोमवार को कथा स्थल पर आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजित एक प्रेस वार्ता में संजय घिया, प्रशांत भराड़िया, विजय झंवर, पंकज माहेश्वरी, अतिन राठी सहित अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य मौजूद थे। आगामी 10, 11, 12 मई को गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज के मुखारबिंद से गौशाला में नानी बाई के मायरे का आप लोगों को श्रवण करने का लाभ मिलेगा। इससे पूर्व 9 तारीख को कल द्वारकाधीश गार्डन में एक हम लोगों ने मायरे के संदर्भ में मेहंदी का कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो कार्यक्रम शाम को 4 बजे से शुरू होगा और उसमें सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। हम लोग सभी आइए, सभी उस मेहंदी के कार्यक्रम में आके भजनों का आनंद लीजिएगा। हम सब पूरी टीम भागवत परिवार की आप सबको आमंत्रित करती है उस कार्यक्रम के लिए। और कथा के अंदर हम लोगों ने कोई भी पास नहीं रखा है। आप लोग जो लोबा डिमांड कर रहे हैं, जो लोबा कह रहे हैं, उन सब तक हमारी बात पहुंचा देना चाहते हैं कि हम लोगों ने प्रथम आओ प्रथम पाओ का सिद्धांत रखा है। यहाँ पर हम लोगों ने करीबन 25,000 प्लस लोगों के बैठने की व्यवस्था करी है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये ब्यावर ही नहीं, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो, जैसा कि पूर्व में पिछले 3-4 कार्यक्रम हुए और वो सब कार्यक्रम अपने स्तर पर बहुत बड़े हुए हैं और ठाकुर जी ने उनको बहुत बड़ा कराया, बहुत अच्छे से संपन्न कराया।